अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, और जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही खुश और सलामत रहें। जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर जाके मेरी एक्नी जर्नी एक्नी पिक के साथ भी देख सकते हैं, और भी मैं स्किन केयर रूटीन पूरे प्रॉपर बता रही हूँ विदाउट एनी साइड इफेक्ट। 1% भी स्टेरॉइड वाली कोई चीज़ होती है मैं नहीं रिकमेंड करती, ना मैं बताती हूँ। तो आज जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ, पहले वीडियो देख लीजिएगा जो न्यू देख रहे हैं, फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। अब जी एक्नी हो गई, एक्नी के बाद स्कार्स आ गए। अब स्कार्स और एक्नी का ट्रीटमेंट तो बड़ा स्लो होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि थोड़ा आराम से चलने वाला होता है, लेकिन शादी ब्याह फंक्शन ये तो आते रहते हैं। अब कैसे स्कार्स को हाइड करें हम लोग, बड़ी इशू बन जाता है। मैं इन इशू से गुजर चुकी हूँ, और ये जितने कंसीलर नज़र आ रहे हैं इससे डबल ट्रिपल यूज़ कर चुकी हूँ और दे भी चुकी हूँ। अब ये मेरे पास बचे थे क्योंकि ये थोड़े से अच्छे हैं। तो जी कंसीलर कैसे डिसाइड करें कौन सा अच्छा है स्कार्स हाइड करने के लिए, तो मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। जो इस तरह के कंसीलर होते हैं थोड़े से विस्कस होते हैं, थोड़े से कह लें स्टिकी से होते हैं, मैं इसलिए इसको ज़्यादा नहीं कह सकती यूज़ करने का, क्योंकि ये जो होते हैं एक टाइम आता है जब आप इसे लगाते हैं, लोग कहते हैं जी विंटर्स आ गए तो हम ये वाला यूज़ करें क्योंकि स्टिक जो है वो ड्राई करती है। लेकिन ये वाले जो कंसीलर होते हैं एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन के अंदर, जैसे फाउंडेशन अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो स्कार्स प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाते हैं। मैंने ये भी लेके देखा, मैबेलिन का ओरिजिनल जब लिया था तब तो 1400 का था, 1700 का शायद हो गया, ये भी मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। एंड पे सारे कंसीलर यूज़ करने के बाद मैं आई स्टिक कंसीलर के ऊपर, और स्टिक कंसीलर हो चाहे कोई भी, मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि यूज़ कैसे करना है आप लोगों ने विंटर्स में या समर्स में। अब लोग कहते हैं जी विंटर्स में तो ये स्टिक अच्छी नहीं होती, समर्स में अच्छी होती है, तो मैं कहूँगी स्टिक हमेशा अच्छी होती है। मौसम बदलते हैं तो अपनी प्रोडक्ट ना बदल लिया करें, थोड़ा तरीका उसका चेंज कर लिया करें। स्किन ड्राई है तो अच्छा प्राइमर या कोई मॉइस्चराइजर साथ लगा लिया करें आप लोग। तो गर्मियों में तो स्टिक कंसीलर वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं, विंटर्स में भी बहुत अच्छी होती हैं। तो विंटर में कैसे लगाना है स्टिक कंसीलर को, ये है जी क्रिस्टाइन वालों की कंसीलर। मैं ये क्रिस्टाइन वालों के इसलिए यूज़ करती हूँ कि इसमें 10 कलर हैं, कोई भी स्कार के साथ आप मैच करके कलर ला सकते हैं। मेरे स्कार जब सबसे डार्क थे मैं 10 नंबर यूज़ कर रही थी, ऐसे ऐसे 9-8 पे आ गई थी। जो मुझे मुल्क से बाहर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं कंट्री से, उन लोगों को कहूँगी स्टिक कंसीलर आप कोई भी कंपनी के ले लें, लेकिन अच्छा ले लें। अब लगाना कैसे है कंसीलर को, लगाने का सबसे जो अच्छा तरीका है मैं आप लोगों को बताऊँ। लोग क्या करते हैं कि कंसीलर लगा के उसको जज्ब कर रहे होते हैं, यार कंसीलर है आपके डार्क सर्कल्स को और स्कार्स को हाइड करने के लिए, जब आप उसे पूरा ऐसे मसाज करके एब्जॉर्ब कर रहे हो तो उससे नीचे से तो प्रोमिनेंट ही होना है स्किन पे। और हमेशा जो कंसीलर होता है वो आपकी ओरिजिनल स्किन से 3 टोन नीचे होता है या आपके स्कार्स के साथ मैच करने वाला होता है। ये आप बड़े स्किन टाइप देख के लाया करें कि कौन सा कलर हमें सूट करेगा। तो जैसे कि मुझे जैसे विंटर्स में तो मैं ये कोई प्राइमर के साथ, प्राइमर को अच्छी तरह से फेस को मॉइस्चराइज करके उसके ऊपर ये लगाती हूँ, और इस तरह से लगाती हूँ। लाइक मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखा देती हूँ। मैं तो जहाँ जहाँ मुझे प्राइमर लगा लिया, जहाँ जहाँ स्कार्स होते हैं लाइक ऐसे लिया, ये देखें ऐसे, जैसे मेरे फेस का स्कार्स होता था, अब तो नहीं रहे अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ऐसे जस्ट बस, जहाँ जहाँ स्कार है डार्क सर्कल्स है बस। ये नहीं कि मैं लगा के, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे उसको पहले लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं पूरा जी यूँ जस्ट कर, तो नीचे वाला तो अब प्रोमिनेंट होगा भी। देखें कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा ये दिखे, ये देखें ये कितना अच्छी जो स्टिक होती है वो कितनी जल्दी आपके हाइड कर देती है हर चीज़ को, ये बहुत अच्छी होती है। ये जो होते हैं ना ये वाले जो टाइप के होते हैं ये लिक्विड, ये एक टाइम आता है ये आपके मेकअप से प्रोमिनेंट कराना शुरू कर देते हैं। तो अब समर्स में तो सिंपली आप लोगों ने ऐसे लगाना है जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे पकड़े और जहाँ जहाँ स्कार्स हैं बस। लेकिन जब आपको विंटर्स लग आ रहे हैं तो आप लोग कोई भी मॉइस्चराइजर प्राइमर से कर लें आप मॉइस्चराइज, या किसी भी निविया क्रीम से मॉइस्चराइज करके ऊपर स्टिक वाले यूज़ करें। क्रिस्टाइन वालों का यूज़ करना तो ये यूज़ कर लें, इसमें 10 कलर हैं, कोई भी कलर अपने मुताबिक का आप लोग लें और उसे यूज़ कर लीजिए। ये देखिए हम ये बेशक से सुबह तक न धोई ऐसे ही रहेगा, क्यों मैंने इसको पूरा जज्ब नहीं किया, लगाया और छोड़ दिया, टैप किया हल्का हल्का सा बस, यूँ लिया यूँ किया बस टैप। यही तरीका होता है कंसीलर लगाने का। तो आप लोग इस तरह इसको यूज़ करें, शादी ब्याह का सीज़न है, मुझे पता है शादियाँ आ रही हैं तो जल्दी होती है इंसान को आने जाने की। तो ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह ही मुझे प्यार देते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।